सभी किसान साथियों का हमारे YouTube चैनल किसान सच में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई, आज हम आए हैं उन्नत किसान एग्रो इंडस्ट्रीज में और हमारे साथ में एक नया पावर वीडर आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी जबरदस्त तरीके का पावर वीडर है और इसकी क्वालिटी जो है किसान भाई काफी बेहतरीन रहने वाला है और रेट के मामले में काफी धमाकेदार आपको रेट मिलने वाला है। ऐसा रेट जो है अभी तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो किसान भाई, सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे कि इस पावर वीडर के माध्यम से आप कौन कौन सी खेती कर सकते हैं, अपनी खेती को टेक्निकल और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे साथ में है मनोज सर। मनोज सर से हम जानेंगे। नमस्कार मनोज भाई। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया साहब। क्या चल रहा है? अरे भाई साहब, आज हम किसान भाइयों के लिए जो हमारी नई मशीन है 8 HP मैनुअल स्टार्ट में, उसके बारे में दिखाने वाले हैं और चला के दिखाएंगे। बिल्कुल, किसान बन गए आज, पूरा एकदम लुक चेंज कर दिया। अरे भाई साहब, आज हम इस मशीन को पानी में चला के दिखाएंगे और इसको सूखे में भी चला के दिखाएंगे, इसलिए हम पक्का चड्डा में आए हुए सर। बिल्कुल 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 सर। तो जो ये मशीन मैं देख पा रहा हूँ, इसकी खासियत हमारे किसान भाइयों को बताइए कुछ। सर, इसमें खासियत ही खासियत है। इसमें हमने जो नई मशीन डिजाइन की है, ये उन किसान भाइयों के लिए डिजाइन किया जो किसान भाई चाहते थे कि हमारे यहाँ की हार्ड मिट्टी है, सख्त मिट्टी है, हमको बड़ा पावर वीडर चाहिए। उनके लिए हम किसान भाइयों 8 HP का पेट्रोल इंजन लाए हैं जो कि मैनुअल स्टार्ट है। किसान भाई रस्सी खींच के बहुत ही आसानी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं जी। और किसान भाई, जो इसमें मैंने इंजन है वो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का इंजन लगाया, उसमें मैंने बहुत ही चेंजेस किए। क्या क्या मैंने चेंजेस किए? जो इसके अंदर क्रैंक शाफ्ट आती है, जो कैम शाफ्ट आती है, वो मैंने फुली स्टील की लगा दी है। आमतौर पर जो आपको पावर वीडर देखने को मिलेगा वो क्या है, प्लास्टिक की आपको कैम शाफ्ट मिलेगी, प्लास्टिक की आपको कनेक्टिंग रॉड मिलेगी। क्योंकि किसान भाई तो अनजान रहता है, वो वीडर तो खोल के देखता नहीं इंजन को, ठीक है जी। हम इसमें फुली किसान भाई कहीं से भी खुलवा सकते हैं, आपको स्टील की ही कैमशाफ्ट मिलेगी, स्टील की ही आपको क्रैंकशाफ्ट मिलेगी जी। बिल्कुल। और किसान भाई, जो इसका ब्लॉक है बहुत हैवी और मोटा किया है, जिससे आमतौर पे पहले पावर वीडर में कंप्लेंट आती थी वो 1 साल 1.5 साल चलने के बाद धुआं मार जाते हैं, क्योंकि ब्लॉक उनका पतला होता है, रिंग पिस्टन उनकी पतली होती है, ठीक है। हमने इसमें मोटी रिंग पिस्टन डलाई है, मोटा ब्लॉक बढ़ाया है, मोटा किया है, जिससे किसान भाई, क्योंकि ये एयर कूल्ड इंजन है, मोटा ब्लॉक रहेगा, ज्यादा ठंडा रहेगा, कम देर में उसको गर्म करेगा जी। बिल्कुल, काफी अच्छी आपने जानकारी दी सर। जैसे मनोज सर, आप ये बताइए, जैसे बताया आपकी खुद की मशीन है, कैसे मैं मान लूं खुद की मशीन है आपकी? अरे भाई साहब, उसके लिए यहाँ आओ, ये कोई स्टिकर नहीं है। यहाँ आप देखिए, ये ढलाई है, ये हमारे गियर बॉक्स पे उन्नत किसान की ढलाई है जी। किसान भाई यहाँ देख सकते हैं, ये उन्नत किसान की ढलाई है, ये कोई स्टिकर नहीं है। यहाँ आप देखेंगे पूरा ढला हुआ है गियर बॉक्स पे, साथ साथ में आप प्लेट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे उन्नत किसान मिलेगा, उसमें मॉडल नंबर मिलेगा, कितने हॉर्स पावर का है, कितने किलोवाट का है, हमारा इंजन सीरियल नंबर क्या है, गियरबॉक्स सीरियल नंबर क्या है, और साथ साथ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है, ठीक है जी, पूरा कंप्लीट मिलेगा। और हमारा जो पावर वीडर है, सभी का आपको अलग अलग इंजन नंबर मिलेगा और अलग ही आपको गियरबॉक्स नंबर मिलेगा जी। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और बताओ, जैसे आप बता रहे थे कि इस मशीन को तैयार करने में 1 साल लग गया, क्या ऐसा इसमें क्या कर रहे थे 1 साल लगा दिया? अरे भाई साहब, उसके लिए हमने पूरा गियरबॉक्स डिजाइन किया है स्पेशली जी। हमने इसमें बड़ा पूरे 2 लीटर का गियरबॉक्स किया है, साथ में जो इसकी इंजन की हमको क्वालिटी बनाने में जितना समय लगा है, 8 महीने से ज्यादा सिर्फ हमको इंजन स्टडी में लग गया जी। गियरबॉक्स तो आसान है, उसको हम लोग इसके मटेरियल के स्ट्रेंथ को बढ़ा के बना सकते हैं, सिर्फ मेन होता है उसका इंजन, क्योंकि इंजन की जितनी लाइफ होगी पावर वीडर की उतनी ही लाइफ रहती है जी। जी बिल्कुल। हमने इसमें बिल्कुल बिल्कुल बताएं 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 जी, हमने इसमें हैवी क्वालिटी का हम चूज कर रहे थे, उसका इंजन की बॉडी का मटेरियल क्या होना चाहिए, क्रैंकशाफ्ट का मटेरियल क्या होना चाहिए, हेड का मटेरियल क्या होना चाहिए, और किस क्वालिटी की हमको रिंग पिस्टन डालनी है, जिससे कि उसकी लाइफ 1.5 गुनी 2 गुनी हो जाए इंजन की। अच्छा सर, ये जो ब्लॉक वगैरह की साइज बढ़ाते हैं, इससे टर्बो का क्या लेना देना है? भाई साहब, हम बड़ा ब्लॉक के ये है, बड़ा ब्लॉक से क्या होता है, जितना ज्यादा हमारे ब्लॉक में हवा जाएगी उतनी ज्यादा हमारी ब्लास्टिंग ज्यादा होगी, ज्यादा ब्लास्टिंग होगी तो इंजन में उतनी ज्यादा पावर मिलती है जी। बिल्कुल 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 सर। अच्छा एक चीज और बताओ सर, कलर येलो क्यों रख दिया आपने? अरे भाई साहब, बहुत सुंदर और प्यारा कलर लगता है हमको, ठीक है। आमतौर पे जब भगवान पे फूल चढ़ाते हैं, गेंदा का फूल चढ़ाते हैं कैसी, तो आप देखो पीला मिलता है और बहुत देखने में सुंदर लगता है, इसलिए हमको बहुत प्यारा कलर लगता है, इसलिए मैंने इसको येलो किया हुआ है जी। कितने लीटर की टंकी लगा दी सर इसमें? भाई साहब, बड़ी 5.5 लीटर की टंकी लगा दी है। किसान भाई, एक बार पेट्रोल डालो, पूरा दिन चलाओ, पेट्रोल डालने का झंझट ही नहीं है। अच्छा सर, एक चीज और बताओ, हमारे किसानों के साथ कंपनियां बड़ी फ्रॉड कर रही हैं, क्यों? अरे भाई साहब, बहुत हमारे पास ऐसी भी कॉल आती है, आपने बहुत अच्छा हमसे बोला, जो किसान भाई हरियाणा से मशीन लिए हैं, पंजाब से मशीन लिए हैं, राजस्थान से मशीन लिए हैं, गुजरात से मशीन लिए हैं, उनमें किसान भाई इतनी कंप्लेंट आ रही है, हम सर्विस देते देते थक जा रहे हैं। जो हमारे किसान भाई आए दिन हमारी ब्रांच पे पहुंच जाते हैं, हमने पंजाब से मशीन मंगाई है, मेरा ये खराब हो गया, हमने हरियाणा से मशीन मंगाई, मेरा ये खराब। हम सभी किसान भाइयों से बताना चाहते हैं कि अगर आपने कहीं से ही मशीन खरीदी हो, अगर आपकी कोई मशीन खराब हो रही, तो हमारी इटावा में ब्रांच है, अयोध्या में ब्रांच है, बिहार में आपको मुजफ्फरपुर में ब्रांच है,
सारे पार्ट्स आपको अवेलेबल है। किसान भाई आप वहाँ जाइए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप पार्ट्स लीजिए, अपनी मशीन को चलाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी अच्छी आपने जानकारी दी। एक चीज और बताओ सर, जैसे कि अगर फ्यूल खपत की बात करें तो क्या फ्यूल खपत करती होगी घंटे में ये? सर बहुत ही कम खाती है, सिर्फ और 700 से 750 ग्राम पेट्रोल खाती है घंटे में, और मोटा मोटा आधा एकड़ खेती है, जुताई का काम कर सकते हैं आप। आधा एकड़ मतलब अगर बात करूं अयोध्या में या यूपी में बात करूं तो 2 बीघे? जी कम से कम जी 2 बीघे। अच्छा अच्छी बताओ, हैंडल जो है इसका हैंडल एडजस्टेबल है कैसे है? सर इसमें एडजस्टेबल हैंडल लगा है, इससे किसान भाई अपनी हाइट के हिसाब से उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, साथ साथ में हैंडल इसको आपको लंबा भी देखने को मिलेगा। आमतौर पे जो हैंडल आते हैं उसमें कम एंगल का होता है, हमने इसको ज्यादा टिल्ट किया और लंबा किया है। इसमें किसान भाई जब रीपर चलाएंगे तो आप जब इसको बैक करेंगे, उल्टा करेंगे तो इसकी टंकी में अड़ता है। आमतौर पर पावर लोडर में यही कंप्लेंट रहती है, किसान भाई जब रीपर चलाता है अगर हैंडल को बैक करेगा तो वाले टंकी में लड़ता है, वो हैंडल बैक हो ही नहीं पाता है। बिल्कुल ठीक है, किसान भाई उस समय फेल्योर हो जाते हैं, अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। हमने इसमें प्रॉपर रिसर्च किया, इसीलिए हमें 1 साल लग गया भाई साहब इसको डिजाइन। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी अच्छा आपने जानकारी। अच्छा सर एक चीज और बता दो, इसको मंगाने का प्रोसेस बता दो, क्योंकि वारंटी गारंटी में पूछूंगा, क्योंकि वारंटी नहीं देते हैं आप, गारंटी ही देते हैं। गारंटी देते हैं और कोई पार्ट खराब ही नहीं होता भाई साहब, गारंटी का भी मकसद नहीं है। अच्छा, फिर भी हम 1 साल की फुल गारंटी देते हैं। बता दो प्राइस क्या रहने वाली है सर? प्राइस पूरे भारत में सबसे कम होने वाली है। क्या देते हैं किसान भाई? हम और भी एक चीज बताना चाहते हैं, आजकल जुमलेबाजी बहुत हो रही है जी। कोई किसान भाई देखेंगे आपको वीडियो में आएंगे, बोलेंगे हमारी मशीन 64,000 रुपए की है, 20,000 रुपए सब्सिडी काट दिया, आपको मशीन 44,000 की मिलेगी। ठीक है, ये सब जुमलेबाजी है भाई साहब। सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देती है, और जो हमारी मशीन है सिर्फ और सिर्फ आपको 42,000 रुपए में मिलेगी सर। जी बिल्कुल 42,000 रुपए में, 42,000 डिलीवरी, होम डिलीवरी रहेगी। और इसके बाद किसान भाई इसमें 42,000 रुपए में 50% सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं, वो अपने जिला कृषि अधिकारी से फॉर्म भर के। जी बिल्कुल, तो सर आपने काफी बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो किसान भाई ये जो मशीन है ये उन्नत किसान की है, आप इसे घर बैठे बुकिंग करके जो डिस्प्ले पे नंबर चला उस पर कॉल करके भी आप मंगवा सकते हैं। और किसान भाइयों कंपनी जो है काफी अच्छी है, ट्रस्टेड कंपनी है, और अगर कोई मशीन में अगर आपने कहीं से भी मशीनें खरीदी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप इनकी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच पे पहुंच के उसको सही भी आप करवा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो ये काफी अच्छी और बेहतरीन लगी होगी। किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। फिर से मिलूंगा मैं इसी तरह के यूनिक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान जय किसान।